अंगद गुरु अमरदास पाद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसम गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन कौ वंदना सिर चरणन पर धार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी रागी सिंघा ने समाप्ति समय शब्द पढ़िया है दम दम सदा संभालता दम न बरसा जाए एदी सूखम व्याख्या तो बाद में अगे प्रकरण से आवांगा एदे अर्थ की ने एक नेक विद्वान महात्मा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता भी पुत्र तुसी मेरी बड़ी सेवा की है मैं तुहाडे ते बड़ा खुश हाँ ते मैं जान तो पहला तुहानू कोई ना कोई कीमती चीज दे के जावांगा ये महात्मा अपने नेक विद्यार्थियों को सिख्या देंदा समा अपनी चाल ते आया उन्हां महापुरुषों का अंतम समय विद्यार्थी काले पै गए बाबा जी तुसी सानू वार बार कहिंदे सी कि मैं जाण तो पहला कोई तुहानू कीमती नुकता दे के जावांगा साडा दिल नहीं चाहुंदा कि कहिए पर है कौड़ा सच तुसी घड़ी पलां दे प्रौहणे हो ते साडा जिंदगी का समा लारे भी टपा दिता साडे पल्ले तक आखना ना पाया महात्मा कहिंदा बेटा आ सामने अलमारी खोलो इहदे च नोटां दीआं गुत्थियां पईआं ने ते गल फेर करांगे समा कीमती वाओ ना बाजार में जाके ते मेरे लिए पंज सत सवास मुल लैके आओ तां कि मैं तुहानू सिख्या देवां सवास मुक जाणे ने आपां काले पै जाने आ गुरमुखो गुरु की बाणी च एक लफ्ज बार बार आउंदा सहज बेंत मेरा आउंदा बड़ा बकीमता शब्द है एक सहज का अर्थ है शांति दूजा सहज का अर्थ है अडोलता ते तीजा सहज का अर्थ विद्वाना ने किया ज्ञान जिन्ना तू सबर च रहेगा
तेरा मन अडोल हो जाएगा, जो अडोल हो जाएगा तेनू ज्ञान हो जाएगा। पर आप ना सहज में आने अडोल होने से ज्ञान किसे काला ना पाओ। अगर मैं सहज बारे बोला तो पता नहीं किन्नी की व्याख्या है, मेरा समा मुक जाएगा। ओ गबरू बाजार में गए, दो चार दुकाना से पूछा तो सियाने दरकार दुकानदार कहन लगे, पुत्रो ओ गबरू हो स्वास बाजार चो नहीं मिलते, महात्मा को जाओ मता प्राण पखेरू हो जाते। कहते बाबा जी बड़िया दुकाना फिरिया स्वास तो मिली नहीं। कहते पुत्रो मैं तो तुहानू सिक्ख्या देती, हूं तुहाडी मर्जी पले बनो कि ना बनो, मैं सिक्ख्या दे देती है। कहते बाबा जी समझे नहीं। कहते पुत्रो अलमारी नोटा नाल भरी है पर एक स्वास इन्हां रुपया का नहीं जी मिलता। जिन्ना गुरमुखों अपने स्वास सांभ लै वो पूजे गए, तो जिन्होंने स्वास सुत्या लगा दिए उन्होंने कोई चेते नहीं जी करता। जिन्होंने स्वासों सांभिया ना सारे तो वड्डी प्रॉपर्टी साडी स्वास ने। साडा गुरु बाबा कहिंदा सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। एक एक स्वास नाल परमात्मा नूं चेते कर, तेरियां चिंतावां दूर हो जाण। गुरमुखो जो तुहाडा समागम है इहदा मैं अपनी समझ के मुताबक एक अर्थ कढ़िया है। जे को मैनू कहे कि ज्ञानी जी तुसीं गुरमुख दे आशे विच इस समागम का की नां सिलैक्ट करोगे, तो मैं इहदा नां रखांगा किस ही कोई कोए मांझन माणी इक तूं। जिहड़ा तुसीं समागम रखिया ना बाबा मक्खण शाह लमाणे का, इहनू गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की भाषा के आपां कहना होवे जां इहदी व्याख्या करनी होवे ते मेरे गुरु नानक पातशाह का एक श्लोक है, किस ही कोई कोए मन नियंजा है नियंजा, किस ही कोई कोए मन न माणी एक तूं। किसे दा कोई होवेगा किसे दा कोई होवेगा पर मेरा तो एक तू ही है ना। किसे दा कोई पर मेरा केवल से केवल एक तू है। ते मेरे गुरमुख भैणों ते भराओ जिस इलाके तुसी रहिंदे हो इस इलाके का इतिहास भी इहो ही है। वो की है धन गुरु अमरदास पातशाह मेरे मालक ने 22 गुरसिखां दी ड्यूटी लाई प्रचार करन दी। अगे दो रायां ने आम लिखतां च असीं इह पढ़दे हां कि 52 बीबियां नूं प्रचारक नियुक्त कीता, 22 गुरसिखां नूं ते 52 बीबियां नूं। लेकिन सानू टकसाल च पढ़ाया गया कि गुरदेव ने 72 बीबियां दी ड्यूटी लाई, 72 सत्त ते 2 72 22 मनुख। उन्हां 72 दे विच्चों 52 दे विच्चों एक बीबी का नाम सी भाग परी। जे तुसीं इतिहास पढ़ते हो श्रीनगर वाली बीबी का, यह धन गुरु अमरदास पातशाह तो नवाजी हुई सी, गुरु अमरदास पातशाह की बख्शिश सी इस बीबी उपर। इन्हें इस इलाके च आण के प्रचार किया, इस माता के घर इस बीबी के घर एक बेटा है, उसका नाम भाई सेवादास है इतिहास। आखिरकार क्योंकि आप गुरबाणी च पढ़ते हैं बहती जात कदे दृष्ट न धारत, माया मोह बंदे नित पारच। बहती का भाव हों बगदी जाती है जेड़ी तेरी जिंदगी है ना। जिमें गुरसिखा नवाण नूं पाणी जांदा है, ये तेरे स्वास नवाण नूं पाणी जाण तरह तुरे जांदे ने। पर पता नहीं की गल है तू दूजियां वल वेखदा पर अपने वल वेखदा ही नहीं। जदों आपां किसी अपने वाकफ नूं मिलदे आ ना ते साडी बोली भी भाई साहब कुछ खाया पिया करो, भैड़े जे पई जांदे जे बुढ़े हो ही जांदे जे, उहदा दा ख्याल है बुढ़ा हो ही जांदा तू आप तू गभरू हो ही जाना। सानू दूजियां दा चेहरा दिसदा है
अपना नहीं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहिंदे पे गुरमुखा तेरी जिंदगी का एक एक पल तुरिया जांदा है ते तू निगाह ही नहीं मारदा। बहती जात कदे दृष्ट अंतात दृष्ट तो भाव निगाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? कारण की बनिया? माया मोह बंदे नित पारछ। माया दे मोह करके माया की गिनती करने विच बंदे का मन परचिया होया है, इस करके अपना ख्याल ही नहीं आता। उस माता भाग परी का हौली हौली बुढ़ेपा आ गया ते उस माता ने एक खदर का रेजा तैयार किया। जेड़े अजकल दे मॉडर्न बाबिया के चिमचे ते चेले ध्यान देन, मॉडर्न बाबिया के चिमचे ते चेले, साढ़े गुरु का की फर्क है? उस बीबी ने खदर का रेजा तैयार किया माता भाग भरी ने, ते कहिंदी जिन्ना चिर गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ये चोला ना पाउण उन्ना चिर मेरे अंतर आत्मे नूं ठंड नहीं पैंदी। मेरा मन कहिंदा भी गुरु पातशाह मेरी भेटा नूं स्वीकार करनगे। जदों उहदा पुत्र सेवादास लोकां च विचरदा ते लोकी कहिंदे सेवादास असीं कहना तां नहीं चाहुंदे पर तेरी माता ते बुढ़ेपा आउण करके तेरी माता दा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा। क्योंकि आपां बाणी विच ही पढ़दे आ ना, सत्र का मातीण। मैनू भी सत्र मां लगा है ते मैनू बड़ा सौखा हो गया काम, कि जे कल नूं कवे भी ज्ञानी तुसीं कथा भुल गए ते मैं कहांगा गुरमुखो मैं सत्र दा हो गया है, ते बाणी भी कहिंदी सत्र का मातीण, मैथों गलती हो गई ते मैनू माफ कर दे, ते मेरी सेफ्टी इस गल विच। सत्र का मातहीण असियां का व्यवहार ना पावे। सेवादास नूं कहिंदे सेवादास, गुरबाणी विच भी लिखिया भी सत्र का मातहीण ते माता दा तेरी अस्थियां तों उपर टप गई है। भोलिया उस अपनी मां नूं कह भी गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने तुहाडे खदर दे चोले लई नहीं होना। इवें भुलेखा नूं लोकां दे कहण ते पुत्तर मां नूं वार वार कहिंदा, पर मां दा नेचा अडोल है। जो मैं पंक्तियां पढ़िया ने, किस ही कोई कोए मंझ नमाणी, एक तां एक तूं। किसे दा कोई होवेगा, किसे दा कोई होवेगा, पर मेरा तां एक तूं ही है ना। जो सानू पढ़ाया गया, कहिंदे ने इंद्र देवता माता कोल आया ते कहिंदा माता जी मैनूं सियाणिया जे। माता जी कहन लगे भी जी मैथों नहीं सियाणिया गया, वडेरी उम्र करके तू ही दस दे। कहन लगा जी मैं सुरग दा देवता इंद्र हाँ, ते मेरे ते मेर करो भी मेरी पुरी विच चरण पाओ, मैं तुहानू सुरगपुरी नूं लै जा। साडे सिख जगत विच एक नवा काम चलिया है, असीं कहिंदे सुरगवासी फलाना सिंह, जे गुरुद्वारे पखा चढ़ाउणा ते उत्थे भी सुरगवासी, जे अरदास करनी ते सुरगवासी। मैनू कहिंदे भी ज्ञानी सुरगवासी ते सचखंड वासी का की फर्क हुंदा? मैं कहा भी गुरमुखो सचखंड विच वरदा सच, ते आपां पीण खाण दे शकीन हां, क्योंकि आपां भंगड़ा भी पाउणा है, शराब पहला भी पीणा है, ते सुरगंड दोवें सहूलतां ने, नाले पीण दी खुल है नाले नचण दी खुल है। इस करके आपां हुण सचखंड वासी घट लिखदे ते सुरगवासी ज्यादा बढ़दे आ। आम आपां कार्ड भी बणदे आ ना, ते पक्खे ते भी लिखाउणा सुरगवासी, जे कार्ड वंडे ते सुरगवासी, ते हुण तीजा काम यह चलिया जे भी जे बापू चढ़ाई कर गया ते उहदी फोटो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे अगे रखण लग पए ने, जे बेबे चढ़ाई कर गए ते उहदी फोटो भी। कहिंदे ज्ञानी जी तुहानूं गुलाब जामुन तां खवावांगे, पहलां बेबे ते बापू नूं मत्था टेको। रब दा वास्ता जे असीं गुरु के सिख हां, असीं बेबे ते बापू नूं मत्था टेकण लई आया। मुक दी गल, कहन लगा माता जी मैं इंद्रा सुरग दा राजा, नीचा किन्ना क चाहीदा। माता नूं गुरबाणी कण सी गुरबाणी, ते माता ने पंक्ति पढ़ी इंद्रपुरी मैं
सर पर मरना। आया ब्रह्मा जिन्हों असं कहने भी ये बड़ा विद्वान है, वेदां दा करता इतिहादिक, बड़ा उहदे बारे सुनिया ते पढ़िया जांदा है। माता जी नूं आ के मिलिया, कहिंदा माता जी मैं ब्रह्मा कहिंदे जी आया, नूं पुत्र किवें आया है? कहिंदा मैं ब्रह्मा हाँ, मेरी पुरी नूं चलो। ते माता जी कहण लगे इंद्रपुरी मैं सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना। जेड़ी ब्रह्म दी पुरी है ना, ये भी नेचल नहीं। गुरु के सिखो आप बड़भागे हाँ, साडे ते वाहगुरू ने मेहर की सी, सिखां दे कर जन्म होया। आप बेकदरे हाँ, सानू कदर नहीं। गुरु नानक दे सिखां दे कर जन्म लैना एक बहुत वड्डे उच्च कर्म होने तां मिलदा जे। भाई साहब भाई गुरदास जी ने वारां दे विच एक पंक्ति लिखी है, चारे वेद बखाण दा चतर मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा देख सरस्ती रूप लबाणा। हिंदुस्तान दा सब तो वड्डा सकालर, सब तो वड्डा विद्वान असीं आम सुणदे भी ब्रह्मा दे चार मूंह ने, कोई कहिंदा पंज मूंह ने। किते एक कारण लभो भी चार पंज मूंह किवें बणे है। अपनी सकी धी वेखी ते मन अडोल नहीं रहे, मन अडोल हो गया, धी ते मन डोल गया। धी ते धी सज्जे पासे होई ते सज्जे पासे मूंह बना लिया, धी खब्बे पासे होई ते खब्बे पासे मूंह बना लिया। धी ने वेख्या भी मेरे बाप जी अकल मारी की पिछे मूंह बना लिया, मूंह तां बना ले पर मन चों बकार ना गया। ये गुरु नानक है, ये गुरु घर है। जेड़ा भी कहिंदे सुपने बिंद ना देई झरना, दसम पातशाह कहिंदे सिखा सुध जमते हम लई, बचन गुरदय हमारे, पूत यही प्रण तोए प्राण जबला कड़थारे, निज नारी के साथ न्यो तुम नित बढ़ेयो, पर नारी की सेज पूर सुपने होना चाहिए। तू गुरु का सिख है, गुरु के सिखा, तू संसार विच विचरना है, वेखना गना नहीं, पर तेरी वेखनी शुद्ध होवे, तेरी वेखनी पाक होवे। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धियां जाने, शुद्ध निगाह नाल वेख, बराबर दी तेरी भैण, छोटी तेरी धी, वड्डी नूं मां करके जान। माता भाग भरी कहण लगी ब्रह्मा जेड़ी तेरी पूरी ये भी नेचर नहीं रहनी। ये गुरबाणी दीआं पंक्तियां हन। इंद्र पुरी मैं सर पर मरना, सर पर तो भाव हुंदा लाजमी, जिहनूं अंग्रेजी विच कहिंदे मस्ट। इंद्र पुरी मैं सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनसपताला। तीजे नंबर से आए शिवजी महाराज, मैनू सियाणिया जे, क्योंकि गल विच सप पाए हुए सन, सप कहण लगे तेनू तां सियाण लिया क्योंकि तू शिवजी है, तेरे गले विच सप ने, इस करके तुम्हें सदीवी नहीं। तिना देवत्या जवाब दे दिता माता भाग भरी ने, तिना देवत्या किस ही कोई कोए मांजन माणी एक तू। जदों दिल की तार खड़की अकाल तख्त पहुंची, मैं मंजी साहब भी जिक्र कीता सी गुरमुखो मैं तुहानू रब का फोन नंबर नोट करा के जाना, नोट कर लो जे कितें लोड़ पै जाए गल करनी पै। रब का नंबर भी हैगा जी, क्योंकि अजकल नंबर से काम चलता ना, मोबाइल नंबर। रब का नंबर जे 511, सवेरे पांच बाणियां पढ़नियां, रह रास पढ़नी, रात नूं सुलदा पाठ करना, क्योंकि सवेरे पांच तो भाव पांजा पांच बाणियां जप साहब सवैये चौपी साहब ते आनंद साहब का संपूर्ण पाठ।
हुण तां आपां इन्हां रब दा पहला दिता है कि शेर पहाड़ियां आनंद साहब दियां आपां पढ़नियां ने ते आपां गल च पल्ला पा कहना सच्चे पातशाह आनंद साहब दा पाठ कीता भुल चुक माफ करनी। हैरानी की गल कि झूठ मारी जाना चौंती तू पौड़ियां छड गया है पढ़िया तू छे ने ते कहीं आनंद साहब का पाठ भुल चुक माफ करना जिहड़ी जान के गलती की उन्हें माफ कौन करेगा। यह कह भी पातशाह सानू काली है हुण समाना तेजी का असी छे जोगे छे पौड़ियों का पाठ किया छेक प्रवान कर ला रोजाना छे करया करेंगे हौली हौली छे छिका छत्ती छिया दिन छे हो जाएगी बाकी फिर सही गुरु की झूठी झूठ बोली जाते आनंद साहब का पाठ किया। यह क्या करो कि सच्चे पातशाह आनंद साहब दियां छे पौड़ियां पढ़िया ने पांच पहला पढ़िया ने ते टाइम है नहीं सी बाकी दिया तुसीं पढ़ लिया जे खीरली पौड़ी पढ़ ली तो तू चाली करके जान ला वैसे पढ़िया छे ही ने तू चाली करके जान ला गुरु की दूरी में झूठ कहो जी सिखी गुरु के सिखो आप खाण का लालच करते हैं ध्यान दिया जे आप सौण का लालच करते हैं सिखा सौण ते खाण का लालच ना कर वध तो वध बाणी पढ़न का लालच कर खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना खाण का लालच सौण का लालच ये छड़ मेरा बापू कहिंदा अल्पहार सुलप सी निंद्रा दया शिमा तन प्रीत सील संतोख सदा निर्वाह वो हवे वो त्रिगुण अतीत। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे हों ते इस घोल कमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे ते जे गुरमुखो गलता खादा ते फिर नींद भी ज्यादा ही आनी ना। दो बंदे बन गए बेली एक पढ़िया लिखा सी एक मेरे वर्गा देसी मारका वो पढ़िया लिखा कहन लगा भी मेरा पेट बारह उंगलां है मैं चार रोटी खाना चार पानी पीदा ते चार साह लैण ली वो कहिंदा पेट तो मेरा भी बारह उंगलां पर मैं तो बारह का बारह भरना है पानी पै जांदा संडा च साह वे ना आवे पर साह तू लैणा भी की है ये साडी पोजीशन है उहदा पेट मेरा भी बारह उंगलां है मैं बारह का बारह अन्न नाल भरदा पानी पीता संधा च सवा सह आवे तो ना आवे आप सह तो लैना की है। गुरु की सिखा तमा करिया कर लालच करिया कर बाणी पढ़ा क्योंकि आप पट्टी पहले पातशाह महाराजा गुरपुरब लागे आ गया है तो उन्होंने एक बाणी उचारी है पट्टी वो लिखा ददा दोष ना देव किसे दोष करमा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजिए वरजना प्रेम की तार पहुंची गुरु अरगोबिंद सच्चे पातशाह मेरे मालक को जिन्होंने कहने सच्चा पातशाह प्रेम की तार पहुंची दीन दुनिया का माल गुरु अरगोबिंद सच्चे पातशाह पहुंचया माता बुजुर्ग है खूंडी का सहारा लैके दरवाजे तक आए तो कह लगी पातशाह जी इन्नी दूरों चल के आ गया ये दो कर्मा अगे भी वध गुरु अरगोबिंद सच्चे पातशाह घोड़े से चढ़े ने माता ने रकाब से मत्था टेकया चरण मत्था रखिया गुरु के चरणों से नतमस्तक हुई कहन लगी मेरिया मन दिया मुरादा पूरिया हो गई। धन गुरु अरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज का उच्चा आसन लाया पढ़ंगे ते माता जी थले लेटे गुरदेव कहते माता जी तुम उच्चे थां ते कहन लगी पातशाह गुरु के सिखां दी थां गुरु के चरण हैं गुरु के चरण ने मेरी इको एक मन की लालसा सी कि जो मैं सवाल छड़ा उदों गुरु अरगोबिंद सच्चे पातशाह मेरे सामने होण ते मेरी एक बेनती पहला चोला तो प्रवान कर। ज्ञानी संतोख सिंह जी लिखते ने कि माता जी ने रातों रात गुरदेव लई चोला तैयार करवाया क्योंकि अजकल वाकूद साधन नहीं सन हत्थां नाल सिउए जाते सन चोले वगैरह रातों रात चोला सवाया धन गुरु अरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज ने चोला प्रवान किया ते कहन लगे माता भाग भरी कुछ ना कुछ मंग माता ने की मंगया कहन लगी पिण कुछ होर जे मंगना आपां मंगदे आं पदार्थ आपां मंगदे आं माण मांगू ताण मांगू धन लक्ष्मी सुत दे मेरी जिंदाबाद हो जाए मेरे नाल चार बंदे होण पर मित्रा तू चाली चार की थां ते चाली लैके जा
ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਚ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਚਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਿਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤਰੁੱਠਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਗੁਰਬਣਤਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਗੇ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਾਂਜਨ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਦ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਚਿੱਟੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਜੇ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵੈਣ ਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵੈਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵੈਣ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰੋ ਫੱਕਾ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੈਦ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਗ ਇੱਕ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਵੈਣ ਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਜਵੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜੇ। ਵੈਦ ਜੁਗਤੀ ਬਾਦ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਖੰਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਿਰੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਖੰਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਵੈਣ ਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਵੈਣ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਰਾਮ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਵੈਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨੇਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟੀ ਪੁੜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਵਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਨਣਦਾਰ ਨੇ ਭਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲੀ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਲੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਕੜੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁੱਠ ਜੌਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੰਬਾਈ ਨਾਲ ਵਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੌਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਆਂ ਤੋਂ ਬੀਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਜੌਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਜੌਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ,
असी केवल ते केवल गुरु के सिख हाँ। गौण राग विच गुरु पंचम पातशाह का शब्द है गौण महला पंजवा। हजूर कहिंदे गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुरु पंचम पातशाह दे वचन ने गौण राग गौण महला पंजवा। गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। ज्ञानी जी को समझ नहीं पई, थोड़ा जा एदी क्लैरिफिकेशन करो, खोल के दसो। सवियां चाहुंदा जाम गुरु होए वल, धने क्या गार्व दिजै। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै। जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु ऐन जपे, ऐन तो भाव ऐ नाम है दिन का ते निस नाम है रात का। जेड़ा गुरु नूं दिने चेते करे, जेड़ा रात नूं चेते करे। आपां तां सवेरे 5-7 मिंट लाए ते मुड़ के रब नूं कहिंदे वी तूं वी रैस कर ते मैं वी आपणा धंधा करां। शाम दे टाइम ते मुड़ के आप हैलो हैलो करांगे, सारा दिन रब की परवाह ही नहीं। ओ भलिया पुरशा पता नहीं साडा अंतम सुवास किहड़ा होवे। मैं मंजी सब 2-4 वार बेनती की है, आपां कोई भी कर्म करदे आ ना अपराला करिया करो, उदों भी वाहिगुरू नूं चेते करन दा पता नहीं साडा खीला सुवास किहड़ा है। इस गल की किसी नूं कोई गरंटी नहीं कि साडा खीला सुवास किहड़ा है। गुरु के सिक्का एक एक सुवास की कदर करना कर, एक एक सुवास नूं सामना कर। मेरे पातशाह की पावन बाणी कहिंदी है जिहड़ा गुरु के नाम नूं दिने रात चेते करदा है। ते नाल एक होर गल, जो गुरु नाम रित मैं धरे सो जन्म मरन दो सिरै। गुरु के नाम नूं अपने हिरदे के अंदर धारण का यतन कर। जिस गुरु के लाल नूं आपां चेते करने आ, इहदी व्याख्या जे गुरु अमरदास पातशाह की पावन बाणी के मुताबिक करनी होवे ते मैनूं इउं प्रतीत हुंदा कहो नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। बाबे मखण शाल बाणी का जिहड़ा जीवन है ना, वो इस पंक्ति के मुताबिक बिल्कुल ढुकदा है। कहो नानक गुर प्रसादी, प्रसादी तो भाव गुरु की कृपा। मैं एक नुक्ते ते तकरीबन जोर देता रहना, हुण भी देवां। गुरु के सिखो बात मेहनत नाल नहीं जान बननी, बात रहमत नाल बननी। जे आपां मेहनत ते जोर देने आ, बात मेहनत नाल नहीं बननी, बात रहमत नाल बननी है। मेहनत कीती है लाल चंद पंडित ने, बड़ा विद्वान बड़ा आलम फाजल, पर ईरखा का शिकार है। मेरे पातशाह दिल्ली नूं जांदिआं पंजोखरे पिंड टिके ते गुरु के संगतां वीरां घत के कहियां भी गुरु के दर्शन करिए। क्यों होवे सिफत कसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी चढ़िए। गुरु के दीदार करन दे नाल जन्मां जन्मात्रां दी मैल लह जांदी है। आपां गुरु के सिख हां, गुरु तो है ही समर्थ, लेकिन सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बाणी च पंक्तियां आउंदियां ने साध के संग। साध गुरु नहीं, साध एक साधना करन च लगा अपने आप नूं साध रहा अपने आप नूं। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। परमेश्वर के प्यारे नूं मिलन करके भावें तू मेहनत नहीं भी की, गुरमुखा उन्हां दर्शन के नाल ही तेरे दुख कटे जाणगे। ये तो गुरु समर्थ है। पता किया भीड़ बड़ी है भाई, इन्ना कट क्यों? तो गुरसिख कहण लगा जी इत्थे 8वें पातशाह महाराज आए ने, दिल्ली नूं चले ने। की नाम उन्हां दा? वो कहिंदा जी उन्हां दा नाम है सतगुरु हर किसे सच्चे पातशाह महाराज। ईरखा ने अंदरों अपना कम किया, कहन लगा ना डबल रब
ते उम्र जे 5-7 साल दी भला किन्नी शक्ति होगी। ना डबल रब रखिया, डबल रब उन्हूं किसी ने पूछा भी तू नवी गल कढ मारी है पर डबल रब, कहन लगा जी मैं ता क्या हर नाम भी रब दा ते कृष्ण नाम भी रब दा है, कृष्ण भी भगवान हर भी भगवान दे, तुसीं कहिंदे भी सतगुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज, ना डबल रब। ते कृष्ण ने गीता जिहड़ी ओह उचारना कीती दी, इह गीता पढ़ लैणगे। जिहड़ा गुरु ते सिख है ना, गुरु की निंदिया नूं सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हां जाके गल कीती, कहण लगे कोई गल नहीं उन्हूं भी बुला लो, महाराज भली करेगा। बुला लिया तो पंडिता जी असीं अर्थ कीते, तूं कहना भी शायद हो सकता है उच्चा खानदान है, कितें ना बचपन में पढ़ी होवे, कंट कीती होवे, तूं इउं कर जिहड़ा तेरी निगाह विच कोई अयोग आदमी है ना, योग नहीं उन्हूं लिया बुला के। खूह के उपर एक मेरे वर्गा बंदा पानी भरदा सी, बेचारा जबान तो भी उहो जिहा गुंगा करके लिखिया, कन्ना तो भी बोला। आम करके तुसीं वेखना जिहड़े गुंगे ने बोले भी हुंदे ने, जिहड़े असली गुंगे हुंदे ने जन्म तो। लै गया पातशाह, कहण लगे गुरमुख इहनूं इशनान कराओ। कहिंदे पंडित जी बोलो गीता, पंडिता जे एक पंक्ति पढ़ता तो छजू वो सत सत अर्थ करता, सत सत असी बाणी च पढ़ते हाँ। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंधले तिर भवन सूझिया गुर भेट पुनीता। जिहड़ा भेट है ना, भेट का आखिरी अर्थ है मिलाप होना। आप गुरुद्वारे आने, मैं माफी देनी, आप रस्मी तौर पर आने पर गुरु नूं मिलदे नहीं, आप भेट नहीं जे करते। आप कहने फलाना बंदा आया, वो जो उपरला पग सी ना, वो पेच ढिला सी, अज फलाना बंदा अगे होके बैठा, उन्हें कपड़े प्रेस ही नहीं कराए, भरिया पूछा मैल खाण लई आया। इनू क्लीयर कर लिए, एक बेनती करा, गुरुद्वारे आउंदिया सानू केवल से केवल गुरु दिसे, कौन आया ते कौन गया इह साडे अंदर ख्याल ना होवे। मैं भाई साहब भाई गुरदास दीआं वारां बड़े ध्यान नाल पढ़दा, ते आम कथा विच मैं उहनां दीआं धारणा दिंदा रहिंदा, मैं बड़ा प्रभावित हां उहनां तों। उहनां ने इक पंक्ति लिखी, रांझा हीर विखाणीए उह पिरम पराती। मेरे मन ने कई साल शंका कीता भी भाई गुरदास जी जेड़े ने हकीकी मां पुरश ने, लेकिन इन्हां मजाजी का जिक्र किया, रांझा धीर मजाजी लोग ने, पर जिन्हां मैनूं पढ़ाया वह कहण लगे काका तेरी सोच छोटी है, ते तू अपनी सोच के मुताबिक लिया, थोड़ा जिहा चुभी मार चुभी। मैं कहा जी मैं तां इन्ने जोगा नहीं, उन्हां समझाया मुड़ के। वह कहिंदे भी जिहड़ी हीर सी ना, ये अपने प्यारे वास्ते चूरी लेके जा रही सी, ते रस्ते दे विच एक बजुर्ग मुसलमान नमाज पढ़ता सी, ध्यान दिया जी खास करके, इहदे कोई खास नुकता है तुहाडे इलाके जिथे मुसलमान भरा बड़े ने, मैं उन्हां दीआं कुछ गल्लां मैनूं चंगीआं लगीआं। मैं इस्लाम कुरान नूं दो बरां बड़े ध्यान नाल सारे नूं पढ़िया, मेरे घर दो कुरान दीआं पोतियां ने इस मौके, उन्हां च गुण है मुसलमान भरावां च, नमाज पढ़दिया को अगों की लंघ जाए तो कहिंदे नमाज कजा होगी, नमाज भंग होगी। वो अपने से खुदा के दरम्यान तीजे नूं ताल रेट नहीं करते। मैं तुहानूं बधाई देना, तो गुरु तुहाडे ते मेहर करे बनी रहे। मैं पंजाब दे विच वेख्या भी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे अगे बिलियां रखण लग पए, बिलियां कपड़े दीआं। तुसीं कितें लुधियाणे दे रहिए जाओ, बड़ा जोर उधर। मैं कथा करन गया एक नगर विच, रात का टाइम सी, ते मैनूं कहिंदे ज्ञानी जी अंदर महाराज नूं मत्था टेक लो। मैं अंदर गया ते 37 खंड पार चल रहे सन कट्ठे, ते दो बिलियां अगे रखियां। मैं दरवाजे तों ऐ करके मुड़ा, मैं आख्या भी गुरमुख मैं गुरु का सिख हाँ, मैं गुरु नूं मत्था टेकदा, मैं बिलियां का सिख नहीं। आपां गुरु पातशाह दे अगे बिलियां रखण लग पए, खड़ौने रखण लग पए। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे अगे चाहे शास्त्र होण चाहे गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह होण, क्योंकि सानू तां ऐ ते जिते शास्त्र नामू
नमस्कार तामु अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर सहत सुरोई सहथी यह हमारे पीर कृपान पान तारियं करोड़ पाप तारियं। किसे ए नहीं लिखा भी मौली गोट बदन ते करोड़ पाप कटन, यह मैनू नहीं जलबा भी मौली गोट बदन करोड़ पाप कटन, नहीं नहीं लिखा कृपान पान तारियं करोड़ पाप तारियं। उस बीबी जदों वो जा रही सी ना ते एक बुजुर्ग मुसलमान नमाज पढ़ता है, उन्हों नमाज भुल गई काड़ी विच जिहड़ा गुस्सा बड़ा चंद्रा ना ते काल मूल क्रोध कदंच करना ना उपर जते ये मस्त मार देंदा। नमाज भुल गई ते बीबी नूं चपेड़ां कढ मारियां दो तीन, वो चली गई बेचारी। गुस्सा हौली हौली ठंडा होया, जिहड़ा गुस्सा ना ये गुरमुख मैदा ना रखिया मिनी पागलपन। एक तो पागलपन है, बंदा पक्का ही पागल होंदा है, लेकिन जो बंदे नूं क्रोध आउंदा ते कुछ समय लई सियाणा बंदा भी पागल हो जांदा है, साडी मत कम नहीं जे करदी। जदों नमाज पढ़ी मन ठंडा होया ते कहण लगा काम बहुत गलत हो गया, चौधरियां दी लड़की है, उन्हें चौधरी नूं जा गल कीती, गल पिंड च वधेगी, बदनामी होवेगी, रौला पएगा, साडा बिगाड़ पएगा परिवारां दा। बीबी आई कहण लगा धीए राणीए मैं सोचिया नहीं, मैं काली च पै गया, उम्र वडेरी है, गुस्सा आ जांदा है, ते धीए राणीए मैं किसे नूं बेनती करदी हां भी तूं चौधरी अगे जा के गल ना करी, तू मेरी धी है, मैं तुसों माफी मंगदा। ही रोपी बुजुर्ग कहण लगा भी धीए राणीए मैं तेनूं चपेड़ मारी पर उदों तां रोई नहीं ते हुण तूं रोण लग पई आ। कहण लगी ताया मैनूं तेरी अवस्था ते रोण आया, तेरी अवस्था ते ताया। कहण लगा पुत मैं समझ आ रही दस। वो कहिंदी ताया मैं एक अपने दुनियावी प्यारे नूं मिलने जा रही ते मैनू नहीं पता भी कौन नमाज पढ़ता ते कोई की करता है, मैनू प्यारा दिसदा सी, मैं तां रोई भी तू खुदा दी नमाज पढ़ता ते तेनू किवें पता चलिया भी अगों दी कौन लंघदा है, तू तो बंदियां दी गिनती करना है। मेरे गुरसिख भैणों ते भराओ जदों गुरुद्वारे आने सानू केवल ते केवल गुरु दसे, कौन आया कौन गया, किसे ने की दिता की लिया, किसे दी पग टेढ़ी है, किसे दी चिट्टी है, किसे दी काली है, तू गुरु के सिखा पगां वेखण लई आया, तू गुरु नूं वेखण लई आया, किते गुरु वाले पासे वल तेरी सोच जुड़ जाए। गुरमुखो मैं बेनती की कि बाबे मखण शाह का जीवन कहो नानक गुरप्रसादी जिन्ना लिव लागी, तिन्नी विची विचे माया पाया, ते दूजी पंक्ति जिथों मैं आरंभ की थी किस ही कोई कोए मंज न माणी एक तो, किसे दा कोई होवेगा किसे दा कोई होवेगा, मेरा केवल ते केवल एक तू है। माया गुरमुखो एडी सख्त है, इन्नी करखत है, सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते माया ऐसी मोहनी भाई, जेते जी तेते डकाई। इनू गुरबाणी सपनी भी क्या है, कहते सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु मां दियो शलिया। हुण रवाज घट गया है, अगे लोग आम पगां नूं माया लाउंदे सन, पगां नूं माया फरले छड़ने उपर छड़ना कन दे नाल छड़ना पग कड़ा के बननी, यह रवाज सी साडे समाज का, उहदे पिछे कराज उहदे विचों भी कथा निकली जिहड़ी उह माया हुंदी उह चौड़ां दी पिछ हुंदी, चौड़ां दी उहनूं माया कहिंदे आपां। चौड़ां दी पिछ मैनूं बचपन चेता, मैं स्कूले पढ़दा खेम करन ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਲਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਲਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ, ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੜ ਕੱਪੜਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
पर भुल जाता बाबे फरीद के उस पावन श्लोकों नूं, फरीदा जो सिर साई ना निवे सो सिर कीचै काए कुन्ने हेठ जलाइए बल संधि थाए कुन्ना कहिंदे ने तौड़ी नूं। जिहड़ा खुदा दे अगे नहीं झुकदा उहनूं चुल्हे विच दा दे उहनूं तौड़ी दे थले बाल दे। ये मक्खण शाह अज के जमाने के नोटों के मुताबिक गुरमुख अरबांपति सी, अरबांपति अज की भाषा मुताबिक, क्योंकि उस जमाने में जहाज रखने ये निकी जी गल नहीं, चाहे ये बादशाह होंदे सन ते चाहे कोई एक अद्धा शाहूकार वरना चीज नहीं सी हुंदी। ते जिहड़ा शाहूकार है ये तो है नहीं कि उत्थे रेवड़ियां ते मूंगफली लिआउंदा होवेगा, जिहड़ा बकाने मुल्क वी जांदा है उत्थे रेवड़ियां नहीं लैन जांदा, ना उत्थों जांदा बंद गोभी लैन जां फुल गोभी। आखिरकार वह अमीर बंदा सी ते कीमती चीज़ां दा वपार करदा होवेगा, वह अपना बेड़ा लेके आया, जहाज विच आके बरेती विच फस गया। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की बाणी शब्द आउंदा भवजल, भवजल के अर्थ होंदे ने समुंदर। बाणी विच गुरु साहब ने सानू वार वार संकेत दिता गुरु के भवजल चो लंघ, ते आपां तां कहिंदे बाबा जी जम्मू के लागे तो समुद्र कोई है नहीं, ना अमृतसर के लागे ना पूरे कोने कोल समुद्र, तुसीं कहिंदे भवजल सानू कहदा खतरा है? नहीं नहीं, भवजल का अर्थ हुंदा है जिहड़ा समुद्र है ना, जदों पुन्नियां दा दिन आउंदा ते रात नूं उछलदा है, जदों मस्या की रात आउंदी ते गुरमुख इस समुद्र विच बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुंदी। इसे प्रकार असीं किसे कोई चिट्टे नोट वेखे, किसे दी चिट्टी चमड़ी वेखी, असीं उछल उछल के पैंदे आ क्योंकि पुन्या चिट्टी होंदी है ना। इसे प्रकार असीं चिट्टे नोट वेखे, किसे दी चिट्टी चमड़ी वेखी, साडे मन विच ख्यालां दी लहर आ गई, ते जे वेख्या कोई बंदा गरीब अनेरे वर्गा ते आपां चुप कर गया। यह संसार भी समुद्र है, आप पर जाना पड़ते इहो संसार बकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे ए रस अकाथ कथा तिन जानी। गुरु के सिखा जाको आए सोई बहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर मैल पावो सुख सहजे, बौर न होएगो फेरा। अपने घर में आवेगा तो मुड़ के फेरा नहीं पाएगा, तो बचेगा किवें? अरदास कर अंतर जामी, पुरख बधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांग मोको कर संतन की तू है। ये आप रात में सौन लगे अरदास करते हैं गुरु के सिखा, जे मैं तो बन्ने हो जाएगा बेड़ा, बन्ने लग जाएगा, पता नहीं सिद्धन चढ़ना कि नहीं चढ़ना। वो गुरु का लाल जहाज लेके आ रहा, जहाज फस गया बरेती च, उहदे अंदर गुरमत है, गुरु की सिखी है, मां ने उन्हें सिखी दृढ़ कराई है। मां ने आख्या सी पुत मखणा, गुरु पातशाह कहिंदा जी की बिरथा होए सो गुर पर अरदास कर। ये बाणी च लिखे बिरथा तो पाप पीड़ा, जेड़ी तेरे गुरु के सिखा अंदर दर्द है ना, वो लोगों नू ना दस, लोगों ने तेनू भंडना ही। गुरमुख प्यारो अज के जमाने डिप्रैशन बड़ा वध्या, उहदा कारण पता की है? अज तो 40-45 साल पहला आपां जो दुखी हुंदे सां, किसी मित्र भैण भरा नाल गल करी सी, साडी हमदर्दी करदा सी, सानू उदाहरण दसदा सी कि कोई गल नहीं घबरा ना सी तेरे नाल, हुण जिहदे नाल गल करदे आ ना उह सानू छज विच पा के छटदा। हुण असीं अपने अंदर दी गल किसे नूं दस के राजी नहीं, ते जदों ना दसी ते उह जिहड़ा सारा मसाला साडे अंदर पटाका पएगा ते कोई ना कुछ वापरेगा ना। हुण आप अंदर दी वेदन किसे नूं दसदे नहीं। मेरे पातशाह कहिंदे सिखा जिहड़ी तेरे अंदर दी पीड़ा ना, तू होरना नूं ना कह, तू गुरु अगे बेनती कर, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। अरदास दा अर्थ अरजे दास तान, दास तान नाम कहानी दा,
अर्जना मैं बेनतियां दा ओह कहानियां जिहदे विच आपणियां बेनतियां होण जिहड़ी आप अरदास करदे इह अरजे दास्तान इहदी व्याख्या विद्वानां कीती अरजे दास्तान उहने अरदास कीती मेरे मालका मेरे ते मेहर कर मैं भुलण हार हाँ क्योंकि आपां कहिंदे आ भुलण अंदर सब को अपुल गुरु करतार भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुले गुरु परमेश्वर नहीं भुलदा गुरमुखो आप सारे ही भुलनहार हाँ सारे ही भुलनहार हाँ उन्हूं ना नहीं आउंदे। एक होर बेनती आपां आम करके अखरां च गल करदे हां जिहड़ा गुरु परमेश्वर है ना वह अखरां दे नालों दिल की भाषा नूं बहुत जल्दी समझदा दिल की भाषा नूं अंदर की गल नूं विण बोलिया सब कुछ जानदा किश आगा की ची अरदास। तुसीं किते पटना साहब गए हो जां जाओ पटना साहब तो केवल अठ को परां एक तीर्थ है हिंदू वीरां दा उहदा इतिहास पिछोकड़े है भी उत्थे हाथी ने कवल का फुल रड़िया जांदा उहनूं जिहड़ा कोई जंगली मैनूं नाम भुल गया उहदा जानवर का तंदुआ तंदुए ने हाथी नूं काबू कर लिया कुदरती तौर पर फुल रुलिया जांदा रड़िया जांदा है। हाथी ने कमल का फुल अपनी सुण च लै के आख्या भगवान मेरी रख्या कर जिहड़ा हाथी है ना उहनूं प्रथम भगौती नहीं आउंदी उहनूं गायत्री मंत्र नहीं आउंदा उहनूं कलमा पढ़ना नहीं आउंदा लेकिन जिहड़ी उहने अंदरों दर्द रखी ना वह भगवान तक पहुँच गई तो उहनूं हाथी ने भगवान ने बचाउणा कीता उस थां दा वह इतिहास है प्रभाशित उहदा नां है। बीबी द्रौपदी ने अरदास कीती कपड़े लाउण वाले थक गए पर कपड़े देण वाला थकिया ना क्योंकि बीबी ने अंदरों अरदास कीती अपने च बहुत औगुण आ रहा है असीं अरदास करदे आ लोकां नूं खुश करदे तां कि अरदास कर लग्या साडी मुट्ठी गर्म हो जाए मुट्ठी गर्म हो जाए। मैं इत्थे किसे गुरमुख दे घर आया कथा करन तों पहलां तो मैं अरदास करके हटिया तो उन्होंने एक ने 500 तो एक ने 100 रुपया रखा मैं क्या काम बड़ा वधिया जे मैं बेनती की मैं अरदास करदा पर मेरी अरदास कमर्शियल नहीं मैं ग्रंथी हाँ साड़ी रोजी रोटी गुरमुखो पर मैं बेनती करा जिहड़ा तगड़ा बंदा 1000 रुपया दे के अरदास करा लेगा गरीब की अरदास कौन करेगा मलक भागो अरदास करा लेगा नोट दे के भाई लालो की अरदास कौन करेगा। साडा काम अरदास करना तो तुसीं फिर कई बार कहिंदे ज्ञानी तुसीं अरदास भी की गल नहीं बनी उहदा कारण की है जिहड़ा तेरा 500 का नोट सी ना उहने मेरा ख्याल खिच लिया मैनू गुरु का चेता भुल गया अरदास तां करनी सी गुरु अगे तो मैं सोचा जे 500 का नोट डिग पिया गोलक के उपर तो प्रधान ने आखना सुट साडा नोट क्योंकि गोलक ते पैगा तो प्रधान का जे हाथ रहा मेरा गुरु के सिखो अरदास नूं कमर्शियल ना बनाओ। मैं बेनती की थी साड़ी रोजी रोटी इहदे विच है जो तुसीं माया दिंदे ना असीं इहदे नाल जी पालदे साड़ी रोजी रोटी है पर तुसीं इह कहो कि मेरी पैसे लैके मेरी अरदास करते साडे च बड़ा गलत ट्रेंड तुरिया असीं फिर उहनां दे परिवार के जीआं दा नां गिणदे पातशाह इहनां ने काली कुत्ती रखी चिट्टे काम उहदे च बरकत पावीं कतूरे वध देण अरदास है इह गुरु के सिखो तुसीं हसे च बिल्कुल सच्ची गल जे सच्ची गल इह नहीं गुरु अखरों की भाषा के नालों दिल की भाषा जानता है एक अखर ही महान है। मैनू 31 साल हो गए ने मंजी साहब कथा करदे आ तुसीं सारे गुरबाणी पढ़ने वाले हो गुरबाणी की पंक्ति एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल एक अखर केड़ा तत्ते नूं दलैंगड़े तू कला अखर तू दा अखर कितें साडे अंदर तू वज्जे ना साड़ी अरदास प्रवान हो जाए असी मैं करते अरदास प्रवान नहीं होंगी जिहड़ी मैं है ना ये तू फिट नहीं क्योंकि असी आसा दी वार पढ़ते वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास भांडे में ची तां पवेगी पहला पहली नू पासे कर
मैं इनू पासे करते गुरमुखा तू ता पवेगी पहला तो मैं भरे पाया उस मक्खन शाह लवाणे ने अरदास की मेरे मालका तू द्रौपदी उतारिया तू हाथी उतारिया अज मेरा बेड़ा भी डुबदा तो मेरे से कृपा उन्होंने नाम भी नहीं आता गुरु तेग बहादुर पातशाह का नाम भी नहीं आता बिना ना तो अरदास हो गई तो गुरमुखो मैं बेनती की आप पंक्तियां पढ़ने जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर जिहड़ी अंदर की दर्द है गुरु अगे अरदास कर ते सच्चा गुरु बैठा भूरे दे विच बाबे बकाले जिहड़ा उहदा जहाज उस समुंदर विच है ते मेरा बापू गया जहाज नूं मोढा दिता ते जहाज बन्ने लाया ते गुरु ने जड़ाया नहीं। एक मैं होर बेनती करा नदी नाम संयोगी मेले असी अरदासां कराउने आ गुरु साडियां अरदासां पूरियां करदा है लेकिन आपां कई वेर खिड़क जाने अपने निशाने तो असी कहने भाई साहब ज्ञानी जी संत सिंह ने अरदास की साडा कार्ज आ होया गुरमुखा जिन्हें पूरी की भाई जसवंत सिंह नालों वड्डा जसवंत सिंह वड्डा नहीं ये साडे ट्रेंड है कि फलाने को अरदास कराई तो अरदास पूरी हो गई गुरमुखो अरदास करन दे नालों जिहड़ा अरदास नूं पूरियां करन वाला उह वड्डा है अरदास नूं पूरियां करन वाला वड्डा है अरदास करन वाला वड्डा नहीं। तो दूजा असीं वी आकड़ आकड़ के बहिंदे आ कि ये प्रेमी परिवार मेरा पता क्यों प्रेम करता है मैं इन्हां दी अरदास कीती ते इन्हां दा कार्ज पूरा होया भलिया चंगा कीता अरदास कीती पर गुरु दा धन्नवाद कर जिन्हें तेरी पत रखी। असीं अपने आप नूं छोड़दे आ ओह गुरु का सिख जदों उन्हें अरदास कीती ते कहण लगा महाराज मैं तां पहलां वी भुल्लां है मैं पहलां वी भुल्लां है मैं तुहाडा दसवंध देना सी ते मैं दसवंध नहीं पहुंचा सकिया जिहड़ा आपां कहिंदे ने भी गुरु पातशाह नूं उन्हें 500 दा ठेका कीता मेरा वाहिगुरू ठेकेदार नहीं जे ये ठेकेदार नहीं जे लेखे कदे ना छूटिया खिन खिन भूलण हार बख्शण हार बख्श लै नानक पार उतार कहण लगा मालका मैं पहला भी भुल गया तुहाडा दसवंध नहीं पहुंचाया मेरे ते कृपा करी मैं तुहाडी अमान तुहानू पहुंचा दिया क्योंकि बाणी कहिंदी पराई अमान क्यों रखिए दित्ती ही सुख होए जिहड़ी पराई अमान ते कोड़ना दा गुरमुखा देण वाली सुख है किड्डा क धर्मी गुरसिख होवेगा वह अपने वह गुजरात का रहने वाला पाकिस्तान जो गुजरात है ना इस गुजरात का रहने वाला सी मक्खन शाह लवाणा जिथों की सोहनी मही वाल होए ने वह गुजरात जाने तो पहला उन्हें पता किया भी मैं गुरु पातशाह के चरणों से नतमस्तक होव इस मौके कितने भाग ला रहे ने संसार के जीवन उतार रहे हैं तो पता चलिया भी वह तो बकाले ने बाबे बकाले आ गया। गुरमुखो 22 मंजियां सन उस मौके आप सुनते हैं उदों 22 से हुण तां गिणियां नहीं जांदियां वो मंजियां ते बैठे सन ते हुण मंजियां चुक के तुरे फिरदे ने मंजियां चुक के है सी उह सियाणा दो दो मोहरां दित्ती गया कि बाबे भी खोई ते आपणा भी कम सैट चलो जे दो ना मगरों लै जाए तो होर मौका वधिया कम भी किया ते बाबे लग पे सीसां देण भी तू बागो बाग निहाल हो जाए तेरा आ हो जाए तेरा आ हो जाए अजे में कई बार मंगते आवगे ना तो साड़िया बीबिया कहणगियां बाबे दे लागे होके आटा पा तेनू विद्या आ जाए तो मेरी ये भैने भी बाबे ने फिलासफी की एम PhD की है वो आटा मंगता फिरदा तो तू की नहीं बाबे दे पैरी हथ भी काके विद्या आवे जिहड़ा घर घर आटा मंगता फिरदा उहदी सीस की कम करेगी। असीं छिड़के होए हाँ बंदे मैं किसी दे हुण कर गया तो मैनू एक बंदा कहिंदा बाबा जी थापड़ा दे दिओ मैं कल रात की गल जे मैनू मेरे गोडियां हथ लाया किसी बंदे ने रात मैं कथा करके मैनू लाके दा ना भुल गया मैं क्या गुरमुखा गोडा ला के अपने घर ही चुक लै जा मैं नवे लवा लाँगा पैसे वध दे गोडियां च की है गिटियां च की है सानू गुरु बाबे ने आख्या शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन शब्दे जग बराण शब्द ही गुरु शब्द ही पीर शब्द तो बिना संसार बौरा होया फिरदा दो दो रुपये देते पर मन नूं तरवास नहीं क्यों किन्नियां चाचियां होण किन्नियां ताईयां होण पर जिहड़ा निग मां दी गोदी चों मिलदा वह चाची ताई कोलों नहीं
जो आनंद भावें बाप चपेड़ भी मार दे सौ चाचा ते एक प्यो, जिहड़ा प्यो का प्यार है वो चाचे को नहीं मिलता। जम जम चाचे ज्यों, चाचे माड़ी नहीं, ठंड नहीं पई, मन बड़ा उदास है। हौ रह ना सका बिन देखे मेरे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो। वो काका पुत्र बचे खेलते हो तुम इतने, होर भी को महाराज महापुरुष है। उन्हां चुक सियाणा काका कहण लगा, हां शाह जी, गुरु अर्जन सच्चे पातशाह जिहड़े होए ना मीरी पीर दे मालक, उनका छोटा बेटा इस भोरे विच छोटा बेटा उन्हां दा, उन बच्चा सी ना, आपां साहिबजादा कहना सी, उन्हूं समझ नहीं सुनी, बेटा कह दिता। चले गए अंदर, कहण लगा बाहर वालियां नूं दो दो ते इहनूं पंज। जदों उहने पंज रखियां ना, ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपना चोला मोढे तो पासे करके आख्या, मखणा, गुरु ने पैसों की दुकान नहीं पाई। तू शायद यह समझदा वे कि गुरु दुकानदार है, गुरु ने पैसों की दुकान नहीं पाई। साडा मोढा वेख किल अजे भी खुभिया है, सदके जावा मखण शाह दे गुरु तो सदके जाना ही जाना ना। जदों गुरदेव ने आख्या किल अजे भी खुभिया मखणा, ते मखण ने पढ़िया, जे भुली जे चुकी साई, सदके जावा मखणा तेरे। गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कहण लगा, जे भुली जे चुकी साई, धी धिंजी कांडिया, जिन्हां न्यू दुजाणी लगा झूर मरों से बांडिया। हौ ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, इहो महिंजा आसरा। तू पंजां दी गल करदा सारा कुछ ही तिया। कहण लगे मखणा, रौड़ा ना पाई तेरा कम सर गया है, जे रौला पाया तो मूँह काला करांगे तेरा। कहण लगा जी मैं सुनया है, मैं आप हुण सारा कुछ बदल रहा है, जेडे मेरी उम्र के जां वडेरे ने भैणा भरा उन्हूं पता होगा, विआह तो पहला एक लफ्ज हुंदा सी मांझे पिया है, कुड़ी मांझे पई जां मुंडा मांझे पिया है, उहदा पता मतलब की हुंदा सी। जदों तो मांझे पै जाणा तो कुड़ी ते मुंडे नहाउणा ही नहीं, भावें सियाल होवे ते भावें हाड़ होवे, भावें गुआंढियों नूं बू आई जावे, पर कहना तू मांझे पिया नहावी ना। ते जिदन मुड़के नहाउणा ना, उदों गुरमुख प्यारो डेढ़ डेढ़ पा वेसण नूं मल मल के कसा कसा के, जिहड़ी उहदी मैल हुंदी सी ना दसां सालां दी पक्की, ऐं लाह देणी। मक्खण शाह लबाणा कहण लगा, पातशाह मैनूं पता है तूं मैनूं उजड़ा करना है, ते जिवें मांझे पा के मैल लह जांदी है, जदों तेरे लोह दी मैं अपने मत्थे ते काल खलावांगा, मेरी जन्मां जन्मांतरां दी मैल लह जाएगी। सदके जावां मक्खण शाह दे, अरबां पति है, गुरु की लोह ते गया ते अपने हथी अपना मूंह काला कीता, अपने हथी गुरु की लोह ते जाके अपने हथी अपना मूंह काला कीता। कहण लगा दुनिया दे लोको, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लभ रहा। ते गुरदेव कहिंदे मखणा ना ना रहो, ते गुरदेव कहण गुरदेव ने आख्या ना मखणा ना ना रहो, ते कहण लगा पातशाह तेरे तो बिना रहण दा फायदा भी की है। गुरु के सिखो, असी उस गुरु के लाल नूं तां चेते कर रहे हां, उहने एक दिन विच बाई झूठे गुरुआं नूं फेल करके सच्चे गुरु नूं प्रगट कर लिया, ते सानू आख्या गुरु के सिखो, सच्चे गुरु तों बिना होर कोई थां नहीं। ते उस मक्खण शाह लबाणे नूं चेते करदिआं मैं बेनती करां, गुरु के सिखो, हुण तां गुरु भोरे तों बाहर है, उदों भोरे विच सी। मक्खण शाह ने बाहर वालियां नूं मत्था नहीं टेकिया, असली नूं मत्था टेकिया, भोरे चों बाहर कढ लिया। हुण साडा गुरु भोरे तों बाहर है, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह इहनूं मत्था टेकिया करो, जिहड़े भोरियां विच जराबां पा पा के बहिंदे उहनां नूं भोरियां च रहण दिओ, ते जे हो सके ना ते मिट्टी पा के भोरा बंद ही कर दिओ, भई तुसीं इत्थे टिके रहो, तुहानूं हवारां लग जाए। गुरु बाबा साडे ते किरपा करे, साडा निश्चा उस मक्खण शाह लबाणी वाला बने। ये गुरु के चरणा च अरदास बेनती है, तुसां कागर चे धो के सुनिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं एक साडे लई अरदास करो, असीं जो तुहानूं धार्मिक लोग धर्म दीआं गल्लां कहिंदे आ,
साडा जीवन प्रैक्टिकली हो जाए, साडी कहनी ते कथनी एक होवे। ये तुहाडे कोल खैर मंगदे आ, मेरी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी चरणा च अरदास बेनती पातशाह, जिन्ना च जिंदगी दे पल बख्शे ने तेरी वड्याई करां, जदों प्राण मुक जाण मैनू चरणा विच थां दे, इहदे तों बिना कोई दूजी होर मंग ही नहीं। क्यों विण तुद होर जे मंगणा, सिर दुखां के दुख गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह मेहर कर, मेरा सिर झुके केवल ते केवल तेरे अगे, जे किसी गैर अगे झुकणा दे जान कर ली मैनू सिर की लोड़ ही नहीं। सिर तां सफला जे तेरे अगे झुके, ये गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की चरणा च हाड़ा है। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का धन्यवाद, भुलां चुकां की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा।